We are starting a very important poem. In fact, personally, this poem is very, I like this poem because it deals with the theme of feminism, something which is related to the empowerment of women. The poem is Aunt Jennifer's Tigers. Now, if you see, क्वेश्चंस बड़े ही इसमें, मतलब पोएम बहुत छोटी है. यू कैन लर्न इट बाय हार्ट, रिटन इन 3 पैराग्राफ्स, येट ईच एंड एवरी वर्ड विच इज रिटन हैज सर्टेन इन डेप्थ मीनिंग. यू कैन सी ऑन द स्क्रीन द नेम इज आंट जेनिफर्स टाइगर्स. तो द poem deals basically with the issue and subject of male chauvinism. Male chauvinism means the domination of man, the exploitation of certain women in the hands of their male partner, domestic violence, marital disharmony, the struggles faced by women. टाइगर्स जो है हमारे यहाँ पर, जो आंट जेनिफर्स है, शी इज द सिंबोलिज्म ऑफ फियर. वो उन हर आंट के लिए है, वो उस हर औरत के लिए है हु लिव्स अंडर फियर. एंड जो टाइगर्स है यहाँ पर, दे आर द सिंबल्स ऑफ फियरलेसनेस, कॉन्फिडेंस, स्ट्रेंथ, मेल डोमिनेशन. आपके सारे कुछ एग्जाम्स के ही रिलेटेड क्वेश्चंस. The main character, Aunt Jennifer, is a scared, traumatized, submissive woman, जो डरी हुई है. शायद through her marital life, she has faced lots of trauma. The poem has number of symbols, और आपके exams में भी आते हैं, and it is there at your back also. The wedding band, because of the wedding band, because of the marriage only she has entered into such exploited life. The ring, which is a pun used here. The ivory needle, tiger and uncle. We have a number of poetic devices in this. We have synecdoche, we have transferred epithet, pun. और पेपर में बहुत कॉमनली आया है पन, आयरनी, कंट्रास्ट, एलिट्रेशन, इमेजरी, एनाफोरा. दे हैव बीन रिपीटेडली देयर इन द एग्जाम. द पोयम बेसिकली, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस लर्न व्हाट इज द पोयम ऑल अबाउट. द पोयम इज ऑल अबाउट अ वुमेन. यहां पर मतलब इन आर पोयम, हमारी पोएट्री के सेक्शन के अंदर, दिस इज द पोयम अबाउट अ वुमेन. एंड एड्रीन रिच हैज ऑलवेज बीन सपोर्टिव टुवर्ड्स द फीमेल मूवमेंट. शी हैज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड हर डिसप्लेजर फॉर सच प्रॉब्लम्स. तो जो आंट जेनिफर्स है, शी इज एक्चुअली वीविंग एन एम्ब्रॉयडरी. मतलब एक पैनल है, उस पर शी इज वीविंग द एम्ब्रॉयडरी. एंड कंट्रास्ट टू हर ओन कैरेक्टर, उसका कैरेक्टर कैसा है, डरा हुआ, सहमा हुआ, सबमिसिव, दबा हुआ. शी इज मेकिंग टाइगर्स. नाउ पेपर में भी और आपके बैक में भी क्वेश्चन है कि व्हाई शी इज मेकिंग समथिंग विच इज कंप्लीटली कंट्रास्ट. हम लोग नॉर्मली इन द साइकोलॉजी, इट इज सेड दैट द कलर्स, द things that we choose somewhere are our personality. Like jab hum chote hote the, to our parents used to tell us red color is something related to anger. Wo to hume baad mein pata laga it is also for love and affection. So red color means it is something which is anger, because red is related to blood color, red color.
तो कलर्स, सम ऑफ द फिगर्स लाइक टाइगर्स, व्हेन वी आर मेकिंग, जब हम ये चीज बनाते हैं लाइक व्हेन वी आर पेंटिंग, तो सम ऑफ द यू माइट माइट हैव सीन सम ऑफ द पेंटर्स, दे गो विद द लैंडस्केप्स, सम ऑफ द वन गो फिर द अब्स्ट्रैक्ट आइडियाज, कुछ का मॉडर्न आर्ट होता है. तो व्हाट इज दैट? दैट्स यू कैन से इन अनदर वर्ड्स, इट इज द स्टेट ऑफ देयर माइंड. कलर्स, रेड ब्लू ग्रीन, ऑल आर कलर्स, बट सम कलर्स हैव सम रिलेशंस. तो जो आंट जेनिफर्स है, शी इज वीविंग एन एम्ब्रॉयडरी एंड शी इज वीविंग टाइगर्स. नाउ व्हाई शी इज वीविंग टाइगर्स इज अ क्वेश्चन. व्हाई शी इज वीविंग टाइगर्स इज अ क्वेश्चन. दैट इज बिकॉज टाइगर्स आर मे बी दैट इज दी दोज आर द कंसील्ड, उसके हिडन इमोशंस है. मे बी शी वॉन्ट्स टू बी फियरलेस, शी वॉन्ट्स टू बी फ्री इंडिपेंडेंट, एंड परहैप्स दैट इज वाई शी इज मेकिंग समथिंग विच इज विच यू कैन से टाइगर्स. हर कैरेक्टर इज फियर, फियरफुल, स्केयर्ड, एंड शी इज मेकिंग समथिंग विच इज कंप्लीटली कंट्रास्ट. नाउ जो टाइगर्स है, दे आर प्रांसिंग. प्रांसिंग मीन्स जंपिंग, जंपिंग. दे आर फियरलेस, दे आर नॉट अफ्रेड ऑफ एनी वन. द मेन आर देयर, still they go. In another words, tigers are also the representation of men. Men are fearless in the society. मतलब we live in a society which is more male dominated. And she, the poet has called the tigers as bright topaz denizens. Denizens means the inhabitants of any area. They have been termed as gemstones, topaz. They are chivalric, means very elegant. In the second paragraph, she says, Aunt Jennifer finds even her ivory needle hard to pull. Now, what is the significance of ivory? Ivory jo hota hai, they are very, very लाइट, बहुत हल्का होता है. तो शी फाइंड्स दैट आइवरी नीडल हार्ड टू पुल. व्हाई? मतलब कि इतना हल्की चीज भी वो उठा नहीं पा रही है. शी हैज बिकम सो वीक, शी हैज बिकम सो ओल्ड कि उसे छोटी सी हल्की सी नीडल नहीं उठाई जा रही है. एंड द रीजन शी गिव्स इज द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड sits upon her hands. मतलब massive weight of uncle's wedding band, मतलब यहाँ जो massive है, massive is a very big, बहुत बड़ा. तो massive weight मतलब after the marriage, जो यहाँ पे massive weight है, it symbolizes the hardships, the disharmony that she has faced after her marriage to the uncle. मतलब she did not have a happy marriage. That sits upon her hand, मतलब उसके हाथों को कमजोर कर दिया है. That's not sitting. That means it has made her weak. The responsibilities, the hardships, the exploitations. Then in the third paragraph, she says, when aunt is dead. ये आपका एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा एक होता है कि when aunt is dead. She will still be ringed with the ordeals that she was mastered by. Ordeals matlab hardships, the problems, the trouble. In Hindi, अगर हम ordeals को exactly अगर हम करते हैं, तो we say
इट्स अग्नि परीक्षा, समथिंग वेरी हार्ड. मीन्स शी वुड बी सो मच ट्रॉमेटाइज्ड दैट इवन द फिजिकली शी मे नॉट बी प्रेजेंट ऑन दिस वर्ल्ड, वो शायद इस दुनिया में नहीं रहेगी, लेकिन उसका जो ट्रॉमा है ना, दैट वुड ऑलवेज बी देयर, उसके सोल पर रहेगा, इट वुड नेवर एंड. एंड द मेल टाइगर्स एंड द टाइगर्स दैट शी हैज मेड, दैट वुड ऑलवेज बी प्रेवेलेंट. मतलब द मेल डोमिनेशन वुड ऑलवेज बी देयर, बट द फीमेल्स प्रॉब्लम्स विल नेवर एंड अप. सो दिस इज द समरी ऑफ द पोएम आंट जेनिफर्स टाइगर्स, अ वेरी इंटरेस्टिंग पोएम बिकॉज इट ब्रिंग्स आउट द प्रॉब्लम्स ऑफ नॉट वन आंट. हेयर इट इज नॉट अबाउट एनी जेनिफर इज नॉट एनी पर्टिकुलर एल्यूजन, दिस इज ओनली एल्यूजन. एक जेनिफर एक नेम लिया है उन्होंने, बट जेनिफर इज जस्ट फॉर ऑल द वुमेन विमेन who are undergoing such trauma. So let us start the poem along with NCERT and then we would go with the poetic devices and other things. Aunt Jennifer's tigers prance across the screen. Bright topaz denizens. Topaz here is referred to the gemstones. Means gemstones जो होते हैं वो precious होते हैं. तो यहाँ पर the tigers have been set like priceless, precious, and denizens are the in Habitants. Denizens का मतलब होता है किसी जगह के रहने वाले. एंड वर्ल्ड ऑफ ग्रीन रेफर्स टू द फॉरेस्ट. आंट जेनिफर्स टाइगर्स प्रांस, प्रांस मतलब दे जंप, मतलब शी इज मेकिंग अ शी इज मेकिंग द टाइगर्स विच आर जंपिंग. दे डो नॉट फियर द मेन बीनीथ द ट्री, मतलब दे आर फियरलेस. उन्हें किसी से डर नहीं लगता जब वो कूद रहे हैं. व्हेन या दे आर जंपिंग दे डू नॉट फियर कि वो किसके ऊपर गिरेंगे, या दे आर नॉट बॉदर कि कौन नीचे है. दे पेस, पेस मतलब दे मूव इन स्लीक शिवालरिक सर्टेनिटी, मींस विद एलिगेंस विद मैग्निफिकेंस. वो लोग अपने पूरे एलिगेंस के साथ बिना डरे हुए शान से चलते हैं, वो बिना डरे शान से वो लोग चलते हैं, उन्हें किसी से कोई डर नहीं. मीन शी हैज मेड अ टाइगर द टाइगर्स विच आर फियरलेस. इन अनदर वर्ड शी हैज मेड द टाइगर्स विच रिप्रेजेंट्स फियरलेसनेस. आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर वूल फाइंड इवन द आइवरी नीडल हार्ड टू पुल. मतलब उसके जो हाथ है, फ्लटर मतलब शेक कर रहे हैं, इट इज शेकिंग, हाथ उसके हिल रहे हैं, उनके हाथ हिल रहे हैं. एंड शी इज नॉट इवन एबल टू पुल दैट आइवरी नीडल. यहाँ पर जो आइवरी नीडल है इट इज एक्चुअली अ सेनेक डॉक. इट इज रेफर टू समथिंग विच इज वेरी लाइट, बिल्कुल हल्का, जस्ट लाइक अ फेदर. कुछ चीज जो बहुत हल्की है लेकिन वो उसे भी उठा नहीं पा रही है. द मैसिव वेट, सबसे ज्यादा आपके एग्जाम्स के अंदर ये वाला जो लाइन, ये वाली जो लाइन है, ये काफी बार आई है. द मैसिव वेट, यहाँ पर मैसिव इज समथिंग वेरी बिग, लार्ज, यानी कि द हार्डशिप्स, the exploitation, the disharmony in her marital life that has made her weak sits heavily upon Aunt Jennifer's hand. Matlab they have made it weak.
When aunt is dead, means यहां पर इफ यू सी द नेम aunt, इट इज रिटन इन कैपिटल लेटर, इज डेड. हर टेरिफाइड हैंड्स, यहाँ पर जो टेरिफाइड हैंड्स है, इट्स एक्चुअली सिन ऑफ डेथ. टेरिफाइड हैंड्स मतलब जो उसके चेहरे पर, जो उसके हाथों में जो आपको हार्डशिप नजर आ रहा है, जो डर नजर आ रहा है ना, दैट वुड ऑलवेज बी प्रेवलेंट. स्टिल रिंग्ड विद द ऑडियंस शी वॉज मास्टर्ड बाय, मास्टर्ड बाय मतलब विच शी हैड अंडरगॉन, जो उसने सामना किया था. एंड यहाँ पर जो रिंग है, इट हैज गॉट डबल मीनिंग. यहाँ रिंग जो है क्लास 12, इट हैज गॉट डबल मीनिंग. यहाँ पर रिंग्ड का मतलब है द रिंग विच शी इज वियरिंग, एंड द सेकेंड रिंग इज सराउंडेड. वन इज वॉट शी इज वियरिंग और दूसरा जो है समथिंग विच इज सराउंडेड, मतलब जो उसके आसपास, जो उसने परेशानियां झेली थी वो हमेशा रहेंगी. इवन डेथ विल नॉट सेपरेट हर फ्रॉम हर हार्डशिप्स. फिजिकली शी मे हैव बीन डेड बट हर सोल वुड स्टिल बी बर्डन. The tigers in the panel that she made will go on prancing proud and unafraid. Means जो टाइगर्स है, as I said, they are the representation of मतलब male chauvinism. So the male chauvinism would always be there. That would continue. That would never end. यहाँ पे लिखा है ना मैंने that death cannot stop domination. तो वो domination कभी जाएगा नहीं. They would always be there. They would always be proud. That would always be there. So these are the three paragraphs. A simple poem. I don't know, but students have lots of problem in this poem. More or less, they always ask me, "Ma'am, ye poem mein hame puri difficulty hai." So nothing. The poem is very small. You can learn it by heart. In fact, this is all about a woman who has been here named as Aunt Jennifer's. She is एम्ब्रॉयडरिंग अ टाइगर, मतलब उसने एक वो टाइगर्स बना रही है. नाउ दीज टाइगर्स जो है दे आर ऑल प्रांसिंग, वो जंप कर रहे हैं. दे आर प्राउड, दे आर मतलब कि इन अ प्लेफुल मूड, वो लोग अपना पूरे एलिगेंस की. दे आर फियरलेस सिंस दे आर नॉट अफ्रेड ऑफ एनी थिंग, वो लोग किसी भी चीज से डर नहीं रहे हैं. They are the inhabitants of forest. They are the denizens, means they are the inhabitants of forest. In the second day say, she says that उसके जो हाथ है वो कांप रहे हैं. Why? Because and कितना कांप रहे हैं, कितनी कमजोर हो गई है, that she is not even able to pull that small ivory needle, जो इतनी हल्की सी है, just like a feather, she isn't able to. Why she is not able to? Because the hardships, the exploitations, the disharmony that she had undergone through her marital life has made her weak, old, terrified. In the third paragraph, the poetess says that even
व्हेन शी इज डेड, जब उसके हाथों को आप देखोगे तो इवन ऑन द डेड बॉडी द रिंग विल बी देयर. सो द रिंग हियर इज पन. पन मीन्स विच हैज बीन यूज्ड इन टू डिफरेंट कंटेक्स्ट. पेपर में बहुत बार आता है पन मीन्स विच हैज बीन यूज्ड इन टू डिफरेंट कंटेक्स्ट. मतलब वन रिंग इज द फिजिकल रिंग विच विल बी विजिबल ऑन हर फिंगर्स एंड सेकेंड इज ऑल द ऑर्डियल्स वुड ऑलवेज बी देयर. वो उसके सोल पर हमेशा रहेगा. एंड व्हाट विल हैपन टू दोस टाइगर्स? ऑफ कोर्स दे वुड ऑलवेज बी देयर. द मेल शॉविनिज्म वुड नेवर एंड, द डोमिनेशन वुड नेवर एंड. दैट्स द पोएम आर्न जेनिफर्स टाइगर्स. नाउ लेट अस क्विकली गो विथ ऑल द व्हाट यू कॉल एज पोएटिक डिवाइसेस. लेट अस मूव विथ द पोएटिक डिवाइसेस. As I have already mentioned that in our poetic devices, we have synecdoche, terrified hands. Terrified hands, अब hands थोड़ी सिर्फ terrified है, सिर्फ हाथ थोड़ी डरे हुए. Terrified hands is actually referring to the entire personality. So terrified hands हमारा synecdoche भी है. And why it is called transferred epithet? Because it has gotten in, मतलब कि it has also gotten इन डेप्थ मीनिंग. उसका एक इन डेप्थ मीनिंग भी है कि द वुमेन इज हाईली टेरिफाइड. वो बहुत डरी हुई है, इसीलिए यूज किया गया. सेकेंड इज एज आई सेड पन रिंग. इट हैज बीन यूज इन टू डिफरेंट कंटेक्स्ट. आयरनी, आंट वीविंग टाइगर्स, क्योंकि आंट डरी हुई है एंड टाइगर्स फियरलेस. टाइगर्स आर शिवालरिक and aunt is fearful. It's a contrast. Alliteration, we would be having fingers fluttering, prancing proudly, last wala line jo hai. Bright topaz denizens. Topaz is gemstones. So yahan par ek image create kiya ja raha hai. And anaphora, enjambment, and of course personification. So let us see all the poetic devices one by one. First of all, it is bright topaz denizens. It's an imagery created as if, मतलब imagery क्या होता? What is the poetic device imagery? Means एक जब हमें बोलता है ना bright topaz denizens on world of green. World of green refers to forest. इसमें एक एक word का each and सिंगल वर्ड हैज कम इन द एग्जाम फॉर सर. मतलब कुछ ना कुछ आया है. वॉट डज इट मीन? मतलब टोपाज डेनिजन्स किसको बोला जाता है, वर्ल्ड ऑफ ग्रीन किसको बोला जाता है. तो हेयर इट हैज एन इमेज हैज बीन क्रिएटेड. द नेक्स्ट इज दे डू नॉट फियर मैन या दे वॉक. दोनों में द वर्ड दे इज रिपीटेड इन द कॉन्सिक्यूटिव लाइन्स. अगली अगली लाइन में रिपीटेड है. So that we would call as anaphora. That we would be calling as anaphora. The third is fingers fluttering. Fingers fluttering. And fingers fluttering is alliteration. The letter F is repeated. And here prancing proudly. इस वाले के अंदर prancing proudly, it is also the same thing. The next is ringed. And ringed जो है, it here is pun. What is pun? Used in two different contexts. And you know class 12, this pun वाला जो question है, this even came in CUET. ये वाला पूरा poem उठ के आया था in the reading comprehension. It came in the reading comprehension. लकीली बच्चों के लिए बहुत अच्छा था, इजी था. द
because they had already done this in 12th, 12th standard. So when this poem came, so they were able to easily identify. लेकिन उसके अंदर जो क्वेश्चन आया था वो पन के लिए आया. मीन्स उसको जब हम दो अलग, कभी कभी तो हम हिंदी में बोलते हैं ना डबल मीनिंग. तो हेयर पन इज यूज, फर्स्ट रिंग इज यूज फॉर द फिजिकल रिंग एंड इट इज ऑल्सो यूज फॉर सरकमवेंटेड, सराउंडेड, सरकमवेंटेड, सराउंडेड. देन वी हैव ऑलरेडी मेंशन, वी हैव सर्टन टाइम्स वी कॉल इट एज ट्रांसफर्ड एपिथेट एंड समटाइम्स और मोर और लेस वी कॉल इट एज सिनेक्डॉक. And that is terrified hands. यहां पर जो terrified hands है इनको metaphor भी कहा जाता है. Synecdoche और transferred epithet actually are extension of metaphor. मतलब वो metaphor के ही extended meaning है. तो synecdoche होता है जब हम एक चीज यूज करते हैं फॉर मेनी थिंग्स. लाइक हेयर टेरिफाइड हैंड्स, अब हैंड्स थोड़ी टेरिफाइड होंगे, इट इज अबाउट द पर्सन हु इज टेरिफाइड. तो हेयर इट इज टेरिफाइड हैंड्स. देन यहां पर लिखा हुआ है द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड सिट्स अपॉन. अ वेडिंग बैंड कैन नॉट सिट, वेडिंग बैंड कैन नॉट सिट. तो यहां पर इट इज परसोनिफिकेशन. Similarly, the tigers that she made will go on prancing is also personification. Then we have enjambment. Agar aap iske usko padhoge, if you are seeing this, you will see that the lines jump without any punctuations. They are jumping. So we also have एंजामेंट. हमारे यहां पर इसमें एंजामेंट भी है. आइवरी नीड हार्ड टू पुल, यहां से यहां तक फर्स्ट, यहां से यहां तक, देन यहां से यहां तक. सो वी हैव एंजामेंट ऑल्सो. एंड द राइमिंग स्कीम इज स्क्रीन ग्रीन, यानी कि ए ए. ट्री सर्टेनिटी, बी बी. वूल पुल, हैंड बैंड हैंड. यानी द पोएम इज रिटन इन द राइमिंग स्कीम ऑफ ए ए बी बी. बिकॉज इन सम ऑफ योर पोएम्स लाइक योर फर्स्ट पोएम विच वी हैव आंजनी, सॉरी दिस माई मदर एट 66, दैट्स अ फ्री वर्स. वी डोंट हैव एनी poetic rhyming scheme. तो इसका आपका जो है ए ए बी बी. lie by made unafraid, तो ए ए बी बी. सो दीज आर द पोएटिक डिवाइसेस ऑफ दिस पोएम, द राइम स्कीम ए ए बी बी, द समरी, एंड ऑफ कोर्स द डिटेल्ड लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन. आई वुड अगेन रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, आर यू कैन से सजेस्ट. Each and every word of this particular poem is there as a question. Each and every. Jaise pehla hai, Aunt Jennifer's Tigers. Now, why it has been called as Aunt Jennifer's Tigers? Why they have not been called as a general tiger on the panel? Because they have been created by Aunt Jennifer. Because they have been created by Aunt Jennifer's. उसे आंट ने बनाया. देन व्हाई दे आर कॉल्ड एज ब्राइट टोपाज डेनिसंस, बिकॉज टाइगर्स आर वेरी प्राइजलेस, मतलब दे आर कॉल्ड एज वेरी एलिगेंट एनिमल स्पीशीज. वर्ल्ड ऑफ ग्रीन फॉरेस्ट, दे डू नॉट फियर द मेन बीनीथ द ट्री. दे हेयर इज रेफर्ड टू, अगेन इट इज पर्सोनिफाइड एंड दे इज रेफर्ड हेयर टू द टाइगर्स. Means they are fearless. They are very elegant. Chivalric certainty here refers to the elegance. मतलब वो किसी से डरते नहीं है, वो सबके साथ
वो बिना डरे हुए चलते हैं. देन द नेक्स्ट इज व्हाई हर हैंड्स आर फ्लटरिंग, मतलब फ्लटरिंग का क्या मीनिंग है, पेपर में आया हुआ है. व्हाई हर फिंगर्स आर फ्लटरिंग, बिकॉज शी हैज ग्रोन वीक एंड ओल्ड. शी हैज बिकम, शी हैज ग्रोन ओल्ड एंड वीक. देन व्हाट डज आइवरी नीडल सिंबलाइज, व्हाट डज आइवरी नीडल सिंबलाइज. आइवरी नीडल इज वेरी लाइट, सो दैट सिंबलाइजेस दैट ही वॉजंट एबल टू पुल इवन द लाइटेस्ट थिंग. द मैसिव मैसिव वेट ऑफ अंकल्स, और बड़ा ही मतलब ये तो ऐसा क्वेश्चन रहा है, इफ यू लुक इन टू 2000 मतलब लास्ट के आप 10 से लेके 17, यू विल फाइंड दिस क्वेश्चन ऑलवेज, मीन समवेयर इट वुड बी ऑलवेज देयर. यू ओपन अ बुक इट वुड बी देयर, यू ओपन अ क्वेश्चन पेपर इट वुड बी देयर. द मैसिव वेट यहाँ पर वाई इट हैज बीन सिग्निफाइड एज मैसिव वेट, बिकॉज शी हैज अंडरगॉन हेवी हार्डशिप्स. एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिट, मतलब डू डज अ वेडिंग बैंड सिट अपॉन, नो, दैट हैज मेड हर हैंड्स, दैट हैज मेड हर वी. देन व्हाट व्हेन आंट इज डेड, मतलब आंट इज डेड यहाँ पर व्हाट डज इट मीन, टेरिफाइड हैंड्स, सिनेक्डॉक मीन्स इवन डेथ विल नॉट बी सेपरेटिंग हर फ्रॉम हर हार्डशिप्स. रिंग आई हैव ऑलरेडी गिवन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शी वॉज मास्टर्ड बाय, तो द डोमिनेशन द चौविज्म दैट शी हैड फेस्ड. द टाइगर्स इन द पैनल मेड विल अगेन, व्हाट डज इट सिंबलाइज, मीन्स द मेल शॉविनिज्म, द मेल डोमिनेशन वुड ऑलवेज बी देयर. तो एक एक सिंगल सिंगल वर्ड, एवरी लाइन वुड बी हैविंग सम मीनिंग, एंड इट माइट बी रेफर टू समथिंग. यू मे बी आस्क्ड टू एलोबरेट इट, कोट इट, आपको उसे एक्सप्लेन करने के लिए बोल सकते हैं. तो जस्ट रिमेम्बर एवरीथिंग, लाइक जो मैंने क्वेश्चन आपको ये बताया था कि मैसिव वेट, तो वाई इट हैज बीन सेट, तो ये इसी तरीके से इट कैन बी. तो दिस इज द पोयम आंट जेनिफर्स टाइगर्स, अ सिंपल बट ऑफ कोर्स अ मीनिंगफुल पोयम. लेट अस बिगिन. एज आई सेड दैट व्हाट आर द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस दैट यू कैन एक्सपेक्ट, लाइक इफ यू सी देयर आर 8 क्वेश्चंस. हाउ डू डेनिजन्स एंड चिवाल्रिक ऐड टू आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ टाइगर्स एटीट्यूड. नाउ यहाँ पर हमने पढ़ा है कि व्हाट इज द टाइगर्स एटीट्यूड, प्राउड, चिवाल्रिक, स्लीक मीन्स वेरी, स्लीक का मतलब होता चुपचाप पूरे एलिगेंस के साथ, चुपचाप लेकिन पूरे एलिगेंस के साथ. सो यहां पर दैट टेल्स डेनिजन्स मीन्स दे आर द इनहैबिटेंट, तो दैट टेल्स द टाइगर्स आर प्राउड, अनअफ्रेड. देन सेकेंड वाला ऑलरेडी आई हैव डन विद यू, व्हाई डू यू थिंक हर हैंड्स आर फ्लटरिंग थ्रू, व्हाई इज शी फाइंडिंग नीडल सो हार्ड टू पुल, शी हैज बिकम वीक बिकॉज ऑफ द trauma she has. Next is what is suggested by the image massive weight of Angul's wedding band. This is what I told you कि ये ऐसा question है जो RTC में भी आया है, 3 marker मतलब पहले तो 2 markers होते थे, उसमें भी आया, दोनों में आया and repeatedly आया, like in the thing of beauty वाले में वो जो immortal था ना, जो उसी तरीके से ये वाला question repeatedly आया. What is suggested? I have already told, just you have asked. Of what or whom is Aunt Jennifer terrified? Within the third stanza. Third stanza हमारा कौन सा है? When Aunt is dead. तो वहां पर वो terrified क्यों होगी? That means that would always be there on as a burden on her soul. Then what are the ordeals she is surrounded by? Why is it significant the poet uses a word ringed? Then
What are the meanings of the word ring? But it's a pun which has been used for different meanings. Why do you think, starting me he, I had given you this one, ki she had created animals that are so different from her character. I started my poem with the same thing, that certain time we correlate the colors, the objects with some of our state of mind. What might the poet be suggesting through this difference? She is unafraid, but she has created the animals which are contrast. So maybe she wants to be like that. Maybe she wants to be unafraid. That is why she has perhaps created this. Ye wala question bhi aaya. Why she has created things which are completely contrast to her own character. She is interpret the symbols found in the poem. Just now I said that in the PDF it is given and the interpretation is also given. Means wo kya kya symbolize kar rahe hai. Tigers hai, chivalry, proud, that is one. Then ivory needle, very light, feather like. Wedding band, the hardships. Last is, do you sympathize with Aunt Jennifer? What is the attitude of speaker toward Aunt Jennifer? Yes, of course. She feels that she has been traumatized. And we can find such people in the society. Those who are not able to come out. Those who live with this trauma and never-ending trauma goes on. So, ye aapke jo hai, 8 questions hai. These questions are not only questions. They can be a question form and also, of course, an RTC forms. So this is the poem, Aunt Jennifer's Tigers.